हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ शिवा शाइन जिन्होंने जामिया में वुमेन्स कैटेगरी में 6th रैंक लेकर आए हैं, बट इन्होंने एडमिशन जो क्लोज किया है वो एमयू में किया। अगर एमयू की बात करें, एमयू बिलेल में इनके 37th रैंक थी, राइट? तो सबसे पहले हम आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं शिवा शाइन। थैंक यू सर। और आपको ये पूछना था कि आपने जामिया में आपका सिलेक्शन हुआ, आपका एमयू में सिलेक्शन हुआ, तो जामिया छोड़ के आपने एमयू क्यों लिया? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एमयू से ज्यादा फैमिलियरिटी थी। ओके, मतलब एमयू से ज्यादा फैमिलियरिटी थी, इस वजह से आपने एमयू में एडमिशन ले लिया। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आप फ्रेशर थी या आप जो है ड्रॉपर थी? सर, नीट के ड्रॉपर थे, लाइक ये मेरा ड्रॉप ईयर जो था वो नीट वाला था। आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो आपने जो है साइंस बैकग्राउंड से थे, नीट की थी, तो फिर नीट में फिर आपने एग्जाम दिया था? यस सर, दिया था। तो नीट में फिर क्या रहा आपका? सर वही जो इस पर कट ऑफ का सीन था, और उसमें रैंक अच्छी, मतलब मार्क्स उतने ये नहीं थे कि मेडिकल कॉलेज ये होगा। तो देखा आपने, शिवा शाइन भी जो है नीट की स्टूडेंट थी, तो नीट की तैयारी करते करते इन्होंने जो है सीधा वो अब एमयू और जामिया के एग्जाम इन्होंने दी, और जामिया और दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो शिवा शाइन, आप ये बताइए, जैसे नीट का जो एग्जाम होगा वो तो मई में हुआ था, राइट? मतलब उससे पहले आप तैयारी कर रही थी या उसके बाद आपने शुरू करी है? लाइक थोड़ा सा जामिया का लाइक देखने के लिए मार्च में ज्वाइन कर लिया था। ओके। और बेसिकली जो एमयू का था वो आफ्टर नीट ही था, 1 month में किया। ओके। जो लाइक शॉर्ट नोट्स एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले ये जानते हैं, आप एमएलएस में किस बैच में थी? एमएलएस के प्रयास बैच में। प्रयास बैच को आपने ज्वाइन किया था, तो बेटा आपको एमएलएस के बारे में कहाँ से पता चला? यूट्यूब पे देखा था, टॉपर के इंटरव्यू में। ओके, तो अच्छा, तो आपने जो प्रॉपर जो तैयारी की थी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि आपको पता है जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जामिया के लिए भी आपने दिया हुआ, एक करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया, एक जीएस वाला पार्ट हो गया, लीगल वाला पार्ट हो गया, तो उसको आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, थोड़ा थोड़ा डिटेल बताइए। यस सर, जामिया के लिए लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सारे, मतलब जो मार्क्स मिले थे प्रयास बैच में, 10 marks जामिया एंड 10 marks एमयू वाले, वो सारे दिए थे। और उसके अलावा लेक्चर्स देखे थे जो प्रोवाइड थे, इंग्लिश के लेक्चर या फिर जिसमें मतलब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं थी, मतलब एमएलएस का जो मटेरियल था उसको आपने फोकस किया था। और उसके अलावा, एमएलएस के अलावा हम लोग बात करें, अरिहान की जो जीके की बुक आती है, अच्छा उसको फॉलो किया, उसको उसके लिए, उसमें पॉलिटी एंड हिस्ट्री के लिए। अच्छा, तो लीगल के लिए आपने क्या करा? यूनिवर्सल फॉलो किया। तो फिर करंट अफेयर्स के लिए क्या करा आपने? एमएलएस का प्रयास मैगजीन जो आता है, हाँ, वो किया था, और जीके टुडे। अच्छा, जीके टुडे, ये दो सोर्स थे आपके करंट अफेयर्स के। अच्छा, और अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के लिए आपने क्या करा? गुफरान सर के जो क्लासेस थे वो सारे अटेंड किए थे, लाइक जो ऐप के थ्रू मिले थे वो भी, और यूट्यूब के थ्रू जो मिले थे वो भी। और उससे जो क्लियरिटी नहीं होती थी वो एग्जाम वेगा जो साइट है वहाँ पे से थोड़ा बहुत वो कर ले भी देख लेते थे। अच्छा, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैसे किया, मैथ्स एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है उसमें आपने कैसे किया? मॉक्स एंड पीवाईक्यू से हो गया, उसके लिए कोई बुक्स नहीं। मॉक्स एंड पीवाईक्यू से आपने कर लिया? यस सर। तो अच्छा, तो आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर, घंटे सच नहीं थे, लाइक टारगेट बेस्ड होता था कि आज इतना कर लेना है, आज इतना कर लेना है। अच्छा, तो शिवा, जो बच्चे 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, यस सर, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन लाइक बिगनिंग से प्रिपरेशन करने के लिए बोलेंगे, और फॉलो, जैसे लाइक हम लोग के साथ होता था कि कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता था, लाइक कभी मार्क्स कम आया टेस्ट में, तो सर जो गाइडेंस देते थे, लाइक सर वीकली कभी कभी बोलते थे, जिसको जो पर्सनल इशू है, मतलब लाइक कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उसका कोई गाइडेंस सेशन रखेंगे, वो मतलब उससे काफी मोटिवेशन मिलता। और लाइक जब हम लोग क्लास नहीं अटेंड करते थे तो सर उस पर भी बोलते थे कि क्लास अटेंड करो, तो थोड़ा सा वहाँ पे सिंसियरिटी दिखाना पड़ा था कि मतलब ऐसा सच लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, स्टार्टिंग ही से करना था सब। अच्छा, तो ये बताइए शिवा की, जब तैयारी करी, यस सर, तो मॉक्स आप कैसे लगाती थी, मॉक्स लगाने क्या स्ट्रेटजी था? लाइक हर 3 दिन पे, 3 दिन आप मॉक्स लगाती थी? अच्छा सर, मॉक्स लगाती ही थी, उसको आप एनालाइज भी करते थे? ऑब्वियसली, मतलब आफ्टर मॉक्स एनालाइज करते थे कि कहाँ गलती हो रहा है, और पूरा फिर उसको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता था और पूरा लिखना पड़ता था। ओके, तो शिवा एक बात बताइए, अभी आपने एडमिशन ले लिया है, यस सर, तो 2029 5 साल के बाद, हाँ, उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? सर लाइक बेसिकली अभी तो अच्छे से पढ़ना है, एंड आगे का कुछ प्लान नहीं किया, मे बी जुडिशियरी, इंशाल्लाह। सो आई विश ग्रेट लक फॉर द फ्यूचर, राइट? यस सर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे शिवा शाइन, जिन्होंने इस बार एमयू जामिया दोनों के एग्जाम को क्रैक किया है। तो इन्होंने जो भी गाइडेंस आपको दिया है आप उसको फॉलो करें 2025 के एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।